हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एमयू का जो रिजल्ट है बीए का, वो पार्टिकुलर कब आएगा, किस दिन आएगा। और लोग बहुत ज्यादा लोग आसार लगा के बैठे हैं कि आखिर एमयू का रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा, नहीं होगा, एंड ऑल दीज, ये सारी चीजें। बहुत सारे मेरे पास सवाल आ रहे हैं, रेगुलर सवाल आ रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा। तो उसके लेकर के मैंने फाइनली सोचा कि नहीं, एक वीडियो ही बना दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है और डेली मैं सभी को मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अब क्या हो गया है कि अभी बीए वगैरह इन सब के रिजल्ट्स अभी आने शुरू हो गए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि बीए के रिजल्ट्स आपके बीए के एग्जामिनेशन लिए हुए अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज के अप्रॉक्स हो चुके हैं। तो क्या होता है कि अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट 40 डेज के बाद कोई भी रिजल्ट को डिक्लेयर कर देती है एमयू। तो जैसा कि क्या है कि अभी आपको पता है कि आज 19 तारीख हो गई है और एमयू का रिजल्ट अभी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए का अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है। तो आई होप विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर ये रिजल्ट आपके डिक्लेयर हो जाएंगे। तो आपको ज्यादा दिन का वेट नहीं करना है। तो मुश्किल से मुश्किल आप मान लीजिए कि अगर इस वीक में अगर नहीं होता है तो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली 27-28 तक, मतलब कि वही विद इन अ वीक आप कह सकते हो, ठीक है। तो 27-28 के अप्रोक्स में ये रिलीज कर दिए जाएंगे। अगर किसी तरह से कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ जैसे कि अभी रजिस्ट्रार वगैरह को बदल दिया गया है, रजिस्ट्रार की चेंज हुई है, तो रजिस्ट्रार चेंज होने की वजह से रिजल्ट्स में भी थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में अभी न्यू एक आईपीएस है 2011 के, तो उनको बनाया गया है, तो जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है, तो उनको बनाया गया, तो जिसकी वजह से रिजल्ट्स में थोड़ी थोड़ी देरी हो रही है। बट उम्मीद है कि ये रिजल्ट्स आपके आ जाएंगे। और कब तक आ जाएंगे, तो अगर ये अगस्त के आखिरी तक नहीं आते हैं तो सितंबर 1 वीक तक किसी हाल में भी आ जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के भी आ चुके हैं, तो मैनेजमेंट्स के भी आ चुके हैं, साथ ही साथ सोशल साइंस से भी आपके एमएसडब्ल्यू का आ चुका है। तो ये जल्दी अब आ जाएगा, क्योंकि जितने भी ये एमएसडब्ल्यू हो गए हैं, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, तो ये सब एमबीए वगैरह के, ये सब कौन है, तो ये इंटरनल जो आपके जो डिपार्टमेंट्स वाले लेते हैं उनका एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो बीए में बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व हैं, इस वजह से इसमें थोड़ी देर हो रही है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बीए में आपका जो रिजल्ट्स है उसमें क्या क्या चीजें होंगी, आपको किस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा, चांस मेमो क्या है, चाइल्ड ऑफ एलुमनाई क्या है, तो इन सबको मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं कि चाइल्ड ऑफ एलुमनाई क्या है, चाइल्ड ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय क्या है, डीएस क्या है, ठीक है। आप तो इन सारी चीजों को आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं आप। और आपको साथ ही साथ उसमें आपको एससी एसटी ओबीसी सबकी क्या लिस्ट निकलती है, ठीक है, चांस मेमो क्या है, उन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया है। तो आप उस आई बटन पे क्लिक करें या पूरी, और साथ ही साथ आप आई बटन पे क्लिक करके और भी आपको नोटिफिकेशंस आपको वहां पे मिल जाएंगी कि बाकी कोर्सेज से रिलेटेड और खास तौर पे आपके आर्ट से रिलेटेड, बीए से रिलेटेड, ठीक है, कि बीए के कट ऑफ कितने होंगे, ठीक है। बीए के कट ऑफ को भी हमने डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को भी आप देखें कि बीए के कट ऑफ क्या हो सकते हैं, इस साल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही।